अपराध का एक अर्थ तिरस्कार भी है। तिरस्कार माने भी तिरस्कार, हिंदी का शब्द है तिरस्कार, तिरस्कार करना। अंग्रेजी में शब्द को अगर कहा जाए अवॉइड करना, हाँ यही कहलाता है। हाँ समझ जाओ जो भी हो भैया। भगवान का मंदिर, देवालय, गुरु, संत, तीर्थ, कथा, गाय, गंगा, गौरी, गोपाल, गायत्री, ये दिखाई पड़े तो तत्क्षण प्रणाम करो, और साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते हैं तो गुरु ही प्रणाम। मन ही मन ही गुरु ही प्रणाम, मन ही मन ही मन ही मन प्रणाम करो। शायद पिछली कथा में हमने सात चीजें लिखवाई थी, सात, गाय, गौरी, गंगा, गोपाल, गायत्री, गीता और गोविंद। ये सात की जिसने उपासना कर ली और जीवन में इन सात का कभी अपराध नहीं हुआ तो सात जन्म तक तुम्हें दुख प्राप्त नहीं हो सकता। भैया आप साष्टांग दंडवत नहीं कर सकते तो इन लोगों को मन ही मन प्रणाम करो। बार बार अभ्यास करने से सिल पर निशान पड़ता है, उसी प्रकार बार बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से भगवान श्री हरि सत्य हमारे चित्त में चिबक जाते हैं। जिभा पर सत्ता जाता है, वाणी में सत्ता जाता, जीवन में सत्ता जाता। भगवान को वही जान सकता जिसे राम जी जना दे रहे, और राम जी को जान करके व्यक्ति राम जी के समान हो जाता। जो सत्य बोलता, सत्य पर चलता, सत्य की उपासना करता, सत्य की पूजा करता, वो श्री हरि नारायण जैसा ही हो जाता। तो बताओ भैया तुम्हें दानव बनने की मानव, आप कहोगे मानव, और मानव में भी कौन सा श्रेष्ठ मानव, और श्रेष्ठ मानव को क्या करना होगा, सत्य की उपासना करनी होगी, सत्य बोलना पड़ेगा। तो भगवान सत्यनारायण की कथा मनोवांछित फल देने वाली है। अरे भैया ये बंधनों से मुक्त करने वाली है, संतानहीनों को संतान देने वाली है, निर्धन को धनवान बनाने वाली है। जो सत्य की उपासना करता, सत्य पर चलता, सत्यनारायण की कथा सुनकर के सत्य बोलने का व्रत लेता। व्रत माने फलाहार नहीं हो के, हम तो व्रत है महाराज, कौन आज हमने रोटियां खाई और दबा के धांस के रसगुल्ला, दबा के धांस के खाले सेव फल काजू, इसका मतलब ये नहीं है। देखो उपवास का मतलब है, सुनो अर्थ, सुनो अर्थ सीधा सा है। उपमाने होता है समीप, उपमाने समीप, बास माने होता रहना, प्रभु चरण, गुरु चरण, संत चरणों के समीप रहना ही उपवास है। भूखा नहीं कहा उपवास, व्रत। तो सत्यनारायण कथा नहीं है, सत्यनारायण व्रत कथा है। क्या है? व्रत कथा। व्रत कथा को मतलब होता है व्रत लो संकल्प। कैसा, कौन सा व्रत? व्रत यह लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आज के जमाने में झूठे लेना, झूठे देना, झूठे लेना, हम नहीं कह रहे रामायण, झूठे देना, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, झूठे भोजन झूठ चबेना, झूठे भोजन झूठ चबेना, झूठे भोजन झूठ चबेना, झूठ ले जमाने में सही को तो आदमी खाता ही नहीं है, लगो झूठ बोल बे का कहना। लेकिन हम प्रार्थना करें, सत्यनारायण जन ने सुनी, आज से संकल्प लो कि जीवन में प्राण निकल जाए पर सत्य ना जाने पाए, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप माने परमात्मा, आप यानी प्रभु, आप यानी गोविंद, आप यानी माधव, आप यानी ठाकुर। इसलिए हमारी प्रार्थना है सत्य का व्रत लो, सत्य बोलो। तो यह सत्यनारायण भगवान की कथा का जो व्रत लेता है वो संसार के समस्त सुखों को भोगता है। यह कलयुग में बड़ा उत्तम उपाय है।